दोस्तों ट्राई की एक नई रिपोर्ट यहाँ पे निकल गई जहाँ पे बड़ा दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे वीआई को बड़ा फटका यहाँ पे लगा। दोस्तों सितंबर महीने के अंदर दोस्तों वीआई को ऑलमोस्ट 4 मिलियन यूजर्स 40 लाख सब्सक्राइबर छोड़ के उसके साथ साथ दोस्तों एयरटेल और जियो ने भी ज़्यादा बड़ी ग्रोथ यहाँ पे नहीं करी और पूरे भारत के अंदर मोबाइल फ़ोन यूज़र्स की कमी देखने को मिली है। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ और किस तरह से दोस्तों वीआई एक सीरियस क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूँ आपका दोस्त नील शेखावत, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। दोस्तों ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम सेक्टर की कुछ भी बड़ी अपडेट होती है दोस्तों, कुछ भी नया चीज़ होती है, हर महीने अपडेट देके बताती है कि भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में कौन है लीडर और कौन दोस्तों यहाँ पे लूज कर रहा है अपना ग्राउंड। फिलहाल दोस्तों ट्राई की सितंबर महीने की रिपोर्ट निकल गई जहाँ पे बात की जाएगी ओवरऑल पूरे भारत में 3.7% दोस्तों यहाँ पे जो मोबाइल यूज़र का बेस है डिप हुआ है, लोगों ने फ़ोन यूज़ करना बंद कर दिया है। रीज़न आई डोंट नो, लेकिन जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं मोबाइल यूज़र बेस डिप 3.7% इन सितंबर। वोडाफोन आइडिया दोस्तों फिर से लोस यहाँ पे कर रहा है, जियो एयरटेल ने थोड़े सब्सक्राइबर एड किए हैं, स्लो हुई इनकी स्पीड यहाँ पे। वोडाफोन आइडिया कंटिन्यू लोस मोबाइल सब्सक्राइब इन सितंबर महीने में कंटिन्यू दोस्तों इन्होंने लोस किया है, कंटिन्यू लोस ही करती आ रही कंपनी। दोस्तों फाइनेंशियल कैपिटल नहीं इनके पास, नहीं पैसा चाहिए, क्राइसिस चल रही है, 4G एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे, 5G की तो बात छोड़ो आप। तो बेस दोस्तों इनका कम हुआ है, डिक्लाइन 4 मिलियन दोस्तों इन अ मंथ ऑफ सितंबर, 4 मिलियन यूजर दोस्तों यहाँ पे डिक्लाइन हुए, इनका बेस कम हुआ है दोस्तों। ऑलमोस्ट 40 लाख सब्सक्राइबर्स को बोल सकते हैं 4G बूस्ट करने में स्ट्रगल दोस्तों कर रहा है, यही कारण है कि लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं एयरटेल और जियो के पास, क्योंकि वो तो 5G भी लॉन्च कर चुके हैं तो डेफिनेटली लोग उनके पास जाएंगे। कंसिक्वेंटली दोस्तों एट लोस्ट ऑफ वायरलेस मार्केट शेयर दोस्तों सितंबर 2022 की बात करिए, एंडिंग द मंथ ऑफ जो दोस्तों वीआई की अगर बात करते तो यहाँ पे इसका जो मार्केट शेयर है वो 22.03 हुआ करता था, ऑलमोस्ट 22% से घट के दोस्तों यहाँ पे 21.75 हो चुका है, ऑलमोस्ट 0.30% का दोस्तों गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब इसका मर्जर हुआ था वोडाफोन और आइडिया का 44% का स्टेक हुआ करता था मार्केट के अंदर, अच्छा खासा स्टेक लेके चलते थे, ऑलमोस्ट 44 करोड़ सब्सक्राइबर हुआ करते थे, मार्केट में लीडर हुआ करते थे, आज दोस्तों मार्केट में तीसरे नंबर पर आते हैं ये। इट्स एट द मोस्ट शेयर्स कंपिटिटर भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के पास दोस्तों इसका जो शेयर है वो गया है। यहाँ पे बात की जाए एयरटेल की तो एयरटेल ने दोस्तों ग्रो किया है, स्लोली ग्रोथ किया है, एयरटेल दोस्तों 31.66% हुआ करता था उससे पहले, लेकिन अब यहाँ पे सितंबर में 31.80 यहाँ पे हुआ है, तो थोड़ा ग्रोथ स्लो ग्रोथ यहाँ पे एयरटेल में देखने को मिला है, अप ही गया यहाँ पे, डाउन नहीं गया। जियो की ग्रोथ देखेंगे तो 36.48 हुआ करता था मार्केट शेयर, ये 36.66 हो चुका है, टोटल मार्केट शेयर की बात चल रही है, ऑलमोस्ट 36.66% दोस्तों जियो का मार्केट शेयर यहाँ पे हो चुका है। ट्राई का डेटा दोस्तों सितंबर का यहाँ पे बता रहा है, सब्सक्राइबर ग्रोथ जो है दोस्तों यहाँ पे स्लो डाउन हुई है दोस्तों यहाँ पे बहुत एयरटेल और यहाँ पे जियो की। एयरटेल दोस्तों जो ग्रोथ है यहाँ पे 0.41 सब्सक्राइबर, यानी अगर मिलियन सब्सक्राइबर हुआ नहीं, ऑलमोस्ट 4 लाख सब्सक्राइबर जियो ने यहाँ एयरटेल ने ऐड किए हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे जियो की तो जियो ने ऑलमोस्ट 207 लाख सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, ये सितंबर महीने की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे बात करें लोस की तो लोस दोस्तों यहाँ पे वीआई ने किया ऑलमोस्ट 4 मिलियन 40 लाख सब्सक्राइबर छोड़ के गए। अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे ट्राई का डेटा बता रहा है कि दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के अंदर 3.66% मोबाइल यूजर्स गायब हो गए, पूरे भारत में अगर सब्सक्राइबर की बात करें मोबाइल यूज़ करने वाले लोगों की बात करें तो 1.145 बिलियन दोस्तों ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 111 करोड़ 200 यूज़र हैं फिलहाल, अभी 111 करोड़ यूज़र फ़ोन यूज़ करते हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। यहाँ पे 130-135 करोड़ की हमारी आबादी है, 111 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे सितंबर अगस्त की दोस्तों बात चल रही है, ओवरऑल अगर दोस्तों बात कर ली जाए तो यहाँ पे टेली डेंसिटी भी दोस्तों डिप हुई है, यहाँ पे मोबाइल पेनिट्रेशन भी दोस्तों कम हुआ है। अगस्त में दोस्तों यहाँ पे पहले हुआ करता था यहाँ पे 83.27 और अगस्त में 82.94 हुआ, तो ये भी डीप यहाँ पे निकल के आया। तो सो बात की एक बात दोस्तों यहाँ पे निकल कर रही कि किस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, पूरे भारत में भी ऑलमोस्ट 3.7% का दोस्तों मोबाइल यूज़र कम हुए, लेकिन सबसे बड़ा फटका यहाँ पे जियो एयरटेल वीआई के अंदर लगा है। वीआई को 4 मिलियन सब्सक्राइबर का दोस्तों यहाँ पे लॉस हुआ है, वीआई को जल्दी जल्दी फंडिंग लाना पड़ेगा, नेटवर्क एक्सपेंशन करना पड़ेगा, गीगानेट 4G लाना पड़ेगा, उसके दम पे वो जियो एयरटेल को टक्कर दे सकेगा। और जियो एयरटेल दोस्तों यहाँ पे कोई ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ नुकसान नहीं कर रहे, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ है। जियो ने ऑलमोस्ट 7 लाख सब्सक्राइबर ऐड किया, अगर बात करें एयरटेल ने तो ऑलमोस्ट 4 लाख सब्सक्राइबर अपने नए प्लेटफॉर्म पे लेके आए दोस्तों दोनों ही कंपनी। ये रिपोर्ट दोस्तों आपको कैसे लगी मुझे बताइए, आपको क्या लगता है भारत का नंबर वन नेटवर्क कौन सा, आपको क्या लगता है वीआई दोस्तों कैसे सर्वाइव करेगा, वोडाफोन आईडिया को ऐसा तो क्या करना चाहिए जिससे वो मार्केट में अपनी
बोलते हैं ना पोजीशन यहाँ पे सुनिश्चित कर सकें। ये वीडियो को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जरूर दे देना। आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए शायद दोस्तों के साथ, नोटिफिकेशन चलाएगा। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारी VIP मेंबर बन जाइए, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे हैं। तो जल्दी से दबा दीजिए, इसके पास दिखिएगा घंटे का बटन, उसको भी जरूर दबा देना। उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो प्लीज़ इस घंटे के बटन को जरूर दबा देना। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर तो कर देना, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। आपको वॉच, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।